बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा 6 अक्टूबर को नागपुर में विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर रवि भवन नागपुर में पत्रकार परिषद आयोजित की गई। डेमोक्रेसी के जो चार पिलर है, उन चारों पिलरों को खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। देश को और संविधान को बचाने के लिए 6 अक्टूबर को बेजन बाग ग्राउंड में महारैली का आयोजन किया गया है, सवेरे 11 बजे से 2 बजे तक, और 2 बजे से ऑनवर्ड आरएसएस के मुख्यालय पर घेराव का यानी मोर्चा का घेराव का आंदोलन है। लगभग ऑल इंडिया से 5 लाख लोग वहां उपस्थित होने की संभावना है। आरएसएस के बीजेपी के द्वारा अलग अलग हथकंडे और षड्यंत्र अपनाए जा रहे हैं, इसके बावजूद देश भर से भारी तादाद में लोग यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। पुलिस परमिशन मिले तो भी मोर्चा मिलेगा, निकलेगा, आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरा जाएगा लोकतांत्रिक ढंग से, और पुलिस परमिशन न मिले तो भी ये घेरा जाएगा, क्योंकि आरएसएस तो बीजेपी के लोगों ने हरियाणा में उनकी सत्ता है, उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता है, तो उन्होंने हमारी 2 सभाओं पर पाबंदी लगाया। वो कोर्ट का मामला तो चलेगा ही, मगर सत्ता का नाजायज तरीके से इस्तेमाल करना ये लोकतंत्र की हत्या है। मेरा नाम है डॉक्टर विलास करात, भारत मुक्ति मोर्चा का नेशनल जनरल सेक्रेटरी।